अगर आप नए विजिटर हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है क्विक इजी टेस्टी रेसिपीज़ के साथ साथ ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। इसके साथ साथ नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी भी हमारे चैनल पर ही आपको मिलेगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज क्या बनाओ चैनल में। वैसे आप क्या बना रहे हैं आज, चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप क्या बना रहे हैं। हम यहाँ पे बना रहे हैं आज मैंगो शेक। है ये मैंगो शेक, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने देखिए दशहरी आम ले लिया है। दशहरी आम में मिठास भी अच्छी होती है और इसके पल्प यानी कि गूदा भी अच्छा होता है। अब इसको भाई साफ़ करके इस तरीके से छिलका निकाल देंगे और इसका जो पल्प गूदा है इसको इस तरीके से अलग कर लेंगे और गिठली को अलग कर देंगे। दशहरी आम में काफ़ी अच्छी मात्रा में पल्प होता है। ये देखिए हमने इस तरीके से लगभग 4-5 आम के पल्प निकाल लिए हैं। वही आम का रेशियो एक आम एक आदमी के लिए मैंगो शेक बनाने के लिए काफ़ी होता है, ये रेशियो आप मान सकते हैं। इसके बाद देखिए इसको हमने पल्प को जार में डाल लेना है और जार में पल्प को डालने के बाद इसमें आपको डालना है ठंडा दूध। दूध ठंडा ही होना चाहिए। अब जैसे आप 2 ग्लास बना रहे हैं तो 2 ग्लास ठंडे दूध मिला सकते हैं, या आप दूध में तो कुछ पानी भी मिला सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 ग्लास ठंडे दूध ले लिया है। अब इसमें ये पिसी हुई शक्कर डाल रहे हैं। यहाँ पे हम दो बड़े चम्मच शक्कर डाल रहे हैं। आपको अधिक मीठा चाहिए तो आप थोड़ा शक्कर और बढ़ा सकते हैं, कम मीठा चाहिए तो शक्कर और कम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए वनीला आइसक्रीम है, 2 स्कूप वनीला आइसक्रीम की डाल देते हैं और इसको इसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। इसको बारीक पीस लेना है आपको। देखिए हमारा मैंगो शेक ब्लेंड हो गया है अच्छे से। अब इसको इसमें डाल, आप इसको ज़्यादा ठंडा पीना चाहते हैं तो आप इसमें आइस क्यूब्स भी डाल करके उसके साथ में ही आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं आइस क्यूब के साथ में, जिससे कि काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाएगा। देखिए ग्लास में इसको डाल लिया है। अब इसके ऊपर फिर से थोड़े से आइसक्रीम डालकर गार्निश करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे टूटी फूटी है, इससे भी इसको गार्निश कर देंगे। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर मीठी वाली रंग बिरंगी सौंफ है, इससे भी इसको डाल करके सर्व कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, सीज़न भी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। भैया यहाँ पे देखिए मैंगो शेक तो बन गया। अब इससे आप आइसक्रीम कैसे जमा सकते हैं? देखिए इस तरीके से घर में आइस ट्रे तो होती ही है, उसमें आप इस शेक को पोर करके इसको जमा सकते हैं। और इसको जो बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से खाते हैं इसको, तो आप इस तरीके से इसकी आइसक्रीम भी जमा सकते हैं और बच्चों को बढ़िया घर का हाइजीनिक ये आइसक्रीम दे सकते हैं। तो एक चीज़ से आपने यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें सीखी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।